يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي सलीम भाई, जैसा आपने अभी बताए थे हमें वो फोटो डिटेल भेजे, आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भेजा गया है। यहाँ पे इन लोग ने 7-8 बजे बम फोड़े दिए गणपति लेके विसर्जन जाने के टाइम पे। उसमें पूरा चटाई बम था, चटाई बम के अंदर कोई लगभग 3-4 घंटे के बाद देखा गया तो उसमें कुरान की आयत लिखी थी और पूरा अबू अपने अंबिया का साहबा का नाम भी लिखा हुआ था, अबू बकर का नाम मैंने कुछ पढ़ा। और उसके बाद ये वीडियो हम लोग ने गए यहाँ पे बोलने तो आजीव अबू खान अंदर नगर सेवक बैठे थे, उन लोग ने बात की है और उसके बाद बोलने के बाद बोला गया है आप एक ये इन्वेस्टिगेशन कल कराया जाएगा, कल बताया लेके आएंगे। उन लोग बम बिम लेके आए और क्या है बाकी का फलाना ढमकाना कुछ नहीं बताया, हम लोग को भगा दिए जितने लोग थे सबको, आधे लोग को ऑलमोस्ट बात बताए और हम लोग आधे खड़े अभी भी खड़े क्योंकि हम लोग को इंसाफ कहीं ना कहीं मिल जाए। इस चीज के लिए गलत हो रहा है क्योंकि आज नहीं करेंगे सलीम भाई तो इन लोग और भी कर सकते। आप जैसा बताए जो और भी निकला वो केस में कुछ हुआ होगा ना, इस पे तो जरूरी हम लोग को चाहिए इंसाफ तो चाहिए चाहिए सलीम भाई, कैसे भी आपसे ये उम्मीद है मेरे को। दोस्तों एक्स कॉर्पोरेटर बब्बू खान जो थे वो भी रात को वहाँ पर पुलिस स्टेशन में थे, उन्होंने जो है पुलिस में जाके जो है FIR करवाई थी। आप देखिए गफू बब्बू खान का क्या कहना है। नहीं नहीं, मैं सारे लोगों को बोलूँगा कि हम सारे लोगों को बिल्कुल साइलेंस रहना चाहिए और इस पर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज ज्यादा वायरल करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिसने गलती किया है पुलिस अपना काम कर रही है। सारे लोग यहाँ धारावी में काफी जिम्मेदार लोग सब यहाँ जमा हुए और सीनियर साहब के साथ जब बात किया तो उन्होंने उसी टाइम FIR लिया है और जिस दुकान से पुलिस ने खरीदा था वो दुकान वाले को भी यहाँ लेके आया और उनके यहाँ जितना भी माल था वो भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया है। और कल सुबह उन्होंने वादा किया है कि कुर्ला में जिस दुकान से उन्होंने परचेज किया था उसको भी लाएंगे और उसके यहाँ जितना सामान है वो भी जब्त करेंगे और जितना और किसी जगह बेचा है वो भी लेके आएंगे। और उसके अलावा ये कहाँ से उन्होंने परचेज किया है उसका मैन्युफैक्चरर जो भी है उसको भी लाके हमने सख्ती से सारे लोगों ने ये बात करी है सीनियर साहब से, क्योंकि वो घर चले गए थे जब उनको ये हादसा मालूम पड़ा तो घर से उठ के रात में अभी आए। हम लोग भी सारे लोग यहीं हैं अभी और आगे को जो कार्रवाई का मसला है उन्होंने हमको अच्छी तरीके से विश्वास दिलाया है कि हम इस आरोपी को लेके आएंगे, वो चेन्नई में हो चाहे कहीं भी हो उसको लेके आना है। दोस्तों ये पहला मामला नहीं है कि फायर क्रैकर के अंदर, ये पटाखे बोलते हैं जिसके अंदर जो है कभी कुरान की आयत आती है, कभी कोई भी धार्मिक की पेपर आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बन के आती है तमिलनाडु वगैरह से बन के आती है और बन के आने के बाद वो उसके अंदर जो पेपर रहते हैं वो उनको जो सप्लाई करते हैं वो कहाँ से आते हैं। पुलिस की गणपति गई, पटाखे जो फूटे, फिर कुछ एक 10-15 मिनट के बाद में कुछ पटाखे ना हम लोग ने जो पेपर हमारे हवा से उड़ के आने लगे तो हम लोग ने जब उठा के देखे ना तो उस पर कुरान शरीफ की आयत लिखी थी। जब एक मिला फिर दूसरा मिला तीसरा मिला तो ऐसा हम लोग सब दोस्त लोग थोड़ा सा चौकन्ने हो गए। इमरान भाई मेरे साथ थे, हारून भाई थे, फरीद भाई थे, हम लोग ने तुरंत क्या किया सब पेपर चुनना चालू कर दिया और भी बहुत से लड़के लोग थे चुनना चालू किए। तो पेपर चुनते 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 यहाँ तक धरावी चौके तक हम लोग को पेपर मिला। वो पेपर के अंदर में जब हम लोग ने पूरी तरीके से जांच किया, दो चार मौलाना लोग को भी हमने बुलाया कि आइए बैठे पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, तो उन्होंने देखा कि पढ़ा भी, आयत भी लिखी हुई और बाकायदा वो जो कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े हुए थे, खाली आयत लिख के बॉम्ब बनाया हुआ नहीं था, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े हुए थे, वो पन्ने लोग ने बॉम्ब बनाए थे, चटाई बॉम्ब जिसे कहते हैं, उस पर ताजमहल का सिंबल लगा हुआ था और वो बॉम्ब के अंदर में सारे के सारे कुरान शरीफ की आयतें, पूरी कुरान शरीफ की आयतें लगाई गई थी। तो वो विषय में लेके हम लोग ने तुरंत वहाँ से सीनियर साहब को कॉल किया कि साहब ऐसा ऐसा मसला है, जो गणपति आप विसर्जन में लेके गए थे उस टाइम जो आपने बॉम्ब पड़ा वो बॉम्ब में कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई थी और कुरान शरीफ के पन्ने मिले, क्या किया जाए। तो साहब ने हमको क्या बोला, आरिफ भाई आप तुरंत चौकी आ जाओ, चौकी आ जाओ, मैं घर पर पहुँचाऊँ लेकिन मैं अभी तुरंत रिटर्न आ रहा हूँ क्योंकि मामला थोड़ा सा वो है। साहब ने जब आए, साहब ने जब पूरी चीज़ देखे समझे, साहब ने भी 2-3 आलिम लोग को बुलाया, ये फरीद भाई ने भी पढ़े तो बोले हाँ वाकई में कुरान शरीफ का पेज है। तो फिर साहब ने अपने इस डिटेक्शन वाले को जो बॉम्ब वाला है